युवा छठ पूजा समिति दुर्गा हनुमान मंदिर स्टेशन रोड डिहरी के द्वारा शारदा सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता अमित पटेल ने किया। पूजा के गीत गाती थी और भगवान के छठ पूजा के गीत गाती थी, इतना मतलब लीन होकर गाती थी कि भगवान छठी मैया अपने वक्त में ही उनको बोल दी कि तुम्हारा भजन, तुम्हारा मधुर गीत मुझे इतना पसंद है कि तुम छठ के टाइम में ही मेरे पास, मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा गीत हमें बहुत पसंद है। इंसान को तो पसंद था, भगवान को भी पसंद आया। इंसान को तो पसंद था, भगवान को भी पसंद आया। उन्होंने सही वक्त पे अपने भक्त को अपने शरणों में बुलाया। जी, ये हमारे बीच मौके पर आए हुए सभी अतिथियों को फूल एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं शारदा सिन्हा को भी याद किया गया। और शारदा सिन्हा एक बिहार के लोकप्रिय गायिका के रूप में जानी जाती है, जिनके मान सम्मान को लेकर, जिनको भाव विनी श्रद्धांजलि को लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ताकि उनको आजीवन याद किया जा सके। की बात है इस चीज को लेकर कि हमारे युवा छठ पूजा समिति के तत्वाधान में आज शारदा सिन्हा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। जी, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जैसे जनतांत्रिक पर्व छठ है, लोक तांत्रिक पर्व छठ है, उसी तरह लोक गायिका के आवाज़ के बिना ये छठ अधूरा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी छठ पूजा हम लोग करते रहेंगे, शारदा सिन्हा को, उनकी आवाज़ को याद करते रहेंगे उनके। मैं शारदा सिन्हा, जो मधुर आवाज़ की माँ सरस्वती के रूप में, जो हमारे भारत के धरती को वैसी देवी का जन्म हुआ था, उनके बारे में मैं ऐसा ये बोलना चाहेंगे, उनके जैसा भक्त शायद हमने ना देखा है और ना कभी देखेंगे। वो ऐसे हर भगवान के ऐसे भक्त थी जो छठ पूजा के गीत गाई, इतनी सुंदर गीत, उनके आवाज़ से जैसे लगता था कि मन मोहक हो गया उनके आवाज़ से, इतना सुंदर। इंसान तो पसंद किया ही उनके आवाज़ को, भगवान भी पसंद किए, ऐसा कि छठ पूजा के गीत गाई और छठ पूजा के समय में ही भगवान उनको अपने पास बुला लें कि तुम्हारा बहुत बहुत मधुर वाणी है, तुम आओ और हमारे पास ही गाओ। इंसान के बीच बहुत गाई और हमारे पास आके गाओ जी, इतना सुंदर तुम्हारा आवाज़ है। भगवान भी शायद उनके ऊपर मेहरबान हुए और अपने आप उनको अपने शरण में बुला के, वो जहाँ भी हैं, मैं उनके लिए सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनके पवित्र आत्मा को भगवान प्रभु शांति दे, अपने चरणों में जगह दे और हमेशा वो उनकी आत्मा शांति के रूप ले और उनके सभी परिवार को इस कठोर घड़ी में भगवान उनको दुख सहने का सहनशीलता उनके सभी परिवार को दे। जी, क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार पटेल, मैं भारतीय जनता पार्टी से डेहरी विधानसभा सह संयोजक पद संभाल रहा हूँ।